कहते हैं जब तक किस्मत में ना लिखा हो तब तक कुछ मिलता नहीं। मुंबई के एक लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पिछली बार मुंबई इंडियंस ने ईशान को 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा। इस सीजन ईशान ने मुंबई इंडियंस के लिए 3 मैच में 93 रन का योगदान दिया। पत्रकारों से ईशान किशन के माता पिता और कोच ने ईशान के क्रिकेट करियर के बारे में खुलकर बात की। ईशान के पिता प्रणव पांडे ने बताया कि जब ईशान को उत्तम जी के पास लेकर गए तो उससे 2-3 दिन तक खेला। इसके बाद उत्तम जी कोच ने कहा कि इसको खिलाइएगा, कोई खेल छोड़ने को बोले तो मत छुड़ाना, ये इंडिया के लिए खेलेगा। सीनियर खिलाड़ी ने सुझाव दिया था कि ये बढ़िया खेलता है, इसे रांची भेज दीजिए। ईशान किशन की माँ का नाम सुचित्रा सिंह है। अपने बेटे की उपलब्धि और अतीत के दिनों का जिक्र करते हुए सुचित्रा ने कहा कि वह बचपन से ही काफी साहसी था। कभी भी उसे चोट लगी तो वो उधर से ही हॉस्पिटल गया और फिर वापस आकर बैटिंग की। ईशान किशन ने भी अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बात किया। ईशान किशन ने अपनी डाइट के बारे में बात करते हुए कहा कि उन दिनों डाइट के साथ यह प्रॉब्लम थी कि एक दिन मैच खेलना पड़ता था और दूसरे दिन पढ़ाई के लिए यात्रा करनी पड़ती थी। ईशान किशन ने बताया कि जब मैं बिहार से खेलता था वहाँ काफी कोच थे और उन्होंने मेरे डैड से कहा था कि कभी कुछ भी हो जाए इसे क्रिकेट छोड़ने मत देना। एक समय ऐसा था जब हम काफी यात्रा करते थे और रात को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाकर ही सो जाते थे। डैड के पूछने पर झूठ बोल देते थे।